अयोध्या जनपद के मंडल कारागार का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम अनुज कुमार झा एवं एसएसपी आशीष तिवारी ने मंडल कारागार का औचक निरीक्षण के दौरान बंदियों से जाना हालचाल। कारागार के पाठशाला और जेल अस्पताल का भी निरीक्षण किया। पाठशाला में बन रहे भोजन को चखा और बंदियों कैदियों से जेल परिसर में मिलकर भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। बंदियों और कैदियों से जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई व्यवस्थाओं तथा समस्याओं की जानकारी ली। जेल अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं को जांचा परखा। कुछ बंदियों की ओर से गंभीर बीमारी के चलते समुचित उपचार का प्रबंध कराए जाने की भी मांग रखी गई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एसएसपी से सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा जेल अधीक्षक को ऐसे रोगियों का समुचित उपचार बाहर अस्पताल में कराने की बात कही। आपको बताते चलें, फैजाबाद कचहरी सीरियल ब्लास्ट के गुनाहगारों को सजा मिलने के बाद ये पहला मौका था जब जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जेल का निरीक्षण किया। देखिए, जेल में मैं और डीएम साहब ने भी इंस्पेक्शन किया है और जेल में सारी व्यवस्थाएं ठीक है। सीसीटीवी नए नए लगे हुए हैं और जेल में जो जैमर की व्यवस्था है वो अभी तक जैमर जो है 3G 4G वाला वो जैमर नहीं है, तो उसके लिए ADG जो हमारे हैं उनसे भी पत्राचार किया जा रहा है और शासन से भी पत्राचार किया जा रहा है। बाकी जेल में जो सारी व्यवस्थाएं थी वो ठीक थी। कोई संदेश दे दीजिए यहाँ के जनता को अपने माध्यम से। देखिए, जो अभी रिसेंटली बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं 9 नवंबर से लेके और उसके पहले दीपोत्सव से लेके जो भी इवेंट्स रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छा शांति और सौहार्द का परिचय दिया है यहाँ की जनता ने। अयोध्या से बहुत अच्छा संदेश गया है, तो इसी संदेश को आगे बरकरार करने की ज़रूरत है। कल जो 144 का कुछ उल्लंघन हुआ है उसमें भी हम लगातार लोगों को चिन्हित कर रहे हैं, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है, आगे भी हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें विधिक प्रक्रिया अपनी की जाएगी। और अब इसमें आगे जो हमको कहना है वो यही है कि सोशल मीडिया पर खासतौर से अफवाह से दूर रहें। सोशल मीडिया पर कोई ऐसी चीज़ शेयर ना करें जो कानून के खिलाफ में हो। और इसके अलावा सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि किसी को कोई अफवाह हो तो वो हमसे आके सीधे बताएं। हमारे नंबर सब लोगों के पास उपलब्ध हैं, जगह जगह लिखे हुए हैं, और वो DM और SP साहब से सभी लोगों से आके मिल सकते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों से, हमारे पुलिस के अधिकारियों से मिल सकते हैं। अफवाहों से दूर रहें और किसी भी प्रकार से कानून तोड़ने से बचें। ठीक है जी। आज जो है मेरे और SSP साहब के द्वारा जो मंडली कारागार है उसके व्यवस्थाओं के लिए औचक निरीक्षण किया गया था आज। तो उसमें जो है कई बैरक देखे, यहाँ के जो बंदी हैं उनकी भी समस्याएं सुनी। ज़्यादातर इस तरीके थी कि कुछ ऐसे थे जो सरकारी वकील की मांग कर रहे थे, तो उनको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसको रेफ़र किया जा रहा है। और उसके अलावा सबको डाइट के बारे में, दवाई की उपलब्धता के बारे में पूछा गया। उस फ्रंट पे सब चीज़ें ठीक थी। जेल के अस्पताल का निरीक्षण किया गया, पाकशाला का निरीक्षण किया गया। और उसमें हाँ, कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको कि कुछ गंभीर बीमारी है, उनको बाहर दिखाने की ज़रूरत है या एक्सरे कराने की ज़रूरत है, तो उसके लिए गार्ड की आवश्यकता होगी। तो उस पर विचार विमर्श हो गया, कप्तान साहब से उसमें सहमति हो गई, उसको गार्ड दे करके बाहर उसका इलाज कराया जाएगा। जो जेल का जो हमारा फार्म है उसका भी निरीक्षण किया गया। अच्छी यहाँ पे जो है खेती बंदियों के द्वारा ही की गई है और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसमें ये भी हमने निर्देश दिया है कि इसमें यदि इनको कंपोस्टिंग के लिए गोबर की आवश्यकता होगी तो हमारे जो गौशाला हैं बड़े वाले, जो नगर निगम के द्वारा या अन्य कहीं ग्राम पंचायत के द्वारा संचालित होती है, तो उससे उनको मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। सर, जिस तरह से कल जो प्रदर्शन किया था लोगों ने। अयोध्या जनपद के कचहरी सेल ब्लास्ट के आरोपी आतंकवादियों को उम्र कैद दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। आज कचहरी में कई अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई और परिसर में ही प्रदर्शन किया, जिसमें सभी ने आरोपी आतंकवादियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। अदालत ने आरोपी आतंकवादियों को दी है उम्र कैद की सजा, एक को किया है बरी। 23 नवंबर 2007 का मामला है। कचहरी में सेल ब्लास्ट, एक अधिवक्ता समेत 4 लोगों की हुई थी मौत, 26 लोग हुए थे घायल। इस बाबत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने कहा कि पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बार के महामंत्री नवीन मिश्रा ने कहा कि वो मंजर रूह कांप जाता है जब उसको मैं सोचता हूँ, उसमें आरोपियों को मृत्यु दंड की नीचे सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए खास रिपोर्ट सुबोध श्रीवास्तव की। बार एसोसिएशन है यहाँ पर 2007 में जिस तरह से यहाँ पर आतंकी हमले हुए थे और इसमें तमाम लोग घायल हुए थे और जिस तरह जो फैसला आया हुआ है उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर वकीलों में आक्रोश एक गुस्सा देखने को मिला है। आइए यहाँ के मंत्री नवीन मिश्रा से बात करते हैं, इसमें क्या कहना है और किस तरह का ये अपील करेंगे और क्या करना चाहते हैं। नवंबर 2007 को एक घटना घटित हुई जिसमें
ब्लास्ट आतंकवादियों ने किया, सीरियल ब्लास्ट किया, जिसमें तीन जिलों में लखनऊ, बनारस, फैजाबाद, और ब्लास्ट करने से पहले 15 मिनट पहले सारे जनरलों मिलिट्री मीडिया को उन्होंने सूचना दे दिया था कि घटना होते जा रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद हमारे यहाँ 4 लोग खत्म हुए और 27 लोग घायल हुए। उसके बाद भी जब मामला धीरे धीरे 10 साल बीत गया, बातें नॉर्मल हो गई। आज जब रिजल्ट आया और जब आदेश आया, इस आदेश के बाद जो लोग इंजर्ड हैं, जिनके परिवार के लोग खत्म हुए थे, उनका घाव फिर से कुरेद गया, क्योंकि सही जजमेंट नहीं आया। इतनी बड़ी घटना को आप आजीवन कारावास में परिवर्तित कर देते, ये ठीक नहीं है। जयपुर में नो एविडेंस मुकदमे में भी सजा हो जाती है, रेयर केसों में फांसी की सजा होती है, रेयर केस है। 4 आदमी खत्म होते हैं और 26 आदमी इंजर्ड होते हैं, पूरी कचहरी हिरासत में है। आज भी अगर एक पड़ाका दब जाता, पूरी कचहरी उस घटना को पुनरावृत दिखने लगती है। ऐसी घटना में आजीवन कारावास छोटी सजा है, फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम लोग इस आदेश का अपील करेंगे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे जब तक फांसी की सजा नहीं होती। ये थे बासन के मंत्री और नवीन मिश्रा जी, इन्होंने बताया कि जो हम अपील करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर युवा अखिलेश जी बैठे हैं, ये अधिवक्ता हैं, और ये क्या चल रहा है? जो फैसला आया है, ये फैसला हम लोग और ऐसी गंभीर घटनाओं में सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा ये आजीवन कारावास की सजा दे रहे हैं। आज हम युवा हैं, हम लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं, हम सबके अंदर एक दहशत स्वभाव रहता है। जरा से भी कोई भी आवाज़ आ जाती है तो हम लोगों के अंदर वही घटना याद आ जाती है जो हम लोगों ने पेपर में पढ़ी थी। हम लोगों ने मीडिया द्वारा अखिलेश पांडे एडवोकेट यहाँ के जो है मेंबर हैं, और उन्होंने बताया कि जो हम लोगों के अंदर एक दहशत की भावना कहीं ना कहीं रहती है। तो अगर इस जो फैसला आया है, ये तो बहुत ही गलत आया है, और सौरभ भैया अभी करने जाएंगे। मैं सुबह बनारस, लखनऊ, फैजाबाद है, उस समय बार का उपाध्यक्ष था हमारे मंत्री मंत्री भाई साहब थे। और ये सीरियल ब्लास्ट जो हुआ, इतना विहंगम दृश्य था उस वक्त। 4 लोग हमारे मरे, उसमें वरिष्ठ गुप्ता, रत्ना पाशा, मिश्रा जी की डबरी, एक मुंशी मरा, एक इस्लाम बिल्डर, एक वकील मरा, और 26 लोग घायल हुए। उस विभत्स मंजर की तहकीकात हुई, उसमें पकड़े गए लोग, और उसका फैसला आया कल 20 दिसंबर 2019। उस फैसले से जो दस्तान ने अशोक कुमार जी थे और नहीं सुनाया, तमाम फैसले सुनाए, कल भी फैसला आया, तो इसमें क्या कमियां, क्या त्रुटियां? कमी ये है कि आपने 302 की जो धारा थी उसमें इसको आपने रेयरेस्ट एंड रेयर नहीं माना, जबकि ये मुकदमा फांसी की सजा का मुकदमा था। इससे ज़्यादा रेयरेस्ट एंड रेयर क्या हो सकता है कि 4 लोग मरे, भीषण पूरी मारा, माहौल बिगड़ गया पूरा। 1.5-2 घंटे तक सिर्फ कचहरी का मंजर, उसको हम लोग कभी भूल नहीं सकते, जेल में आज भी रोके खड़े हो जाते हैं। ऐसे मुकदमे में आपने मात्र आजीवन कारावास किया, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। संघ की बैठक हुई है, हम लोगों को निर्देश दिया गया, फैसले की कॉपी निकालेंगे, आगे जाना है इस बात को हमल करने के लिए कि इनको कम से कम फांसी होनी चाहिए। फांसी से कम की सजा से हम लोगों में आक्रोश है, हम लोग संतुष्ट। बात गिनती होल्ड हुई है, लोगों को गिनती होल्ड की गई है, छोड़ा गया, उसके बाद तुरंत गिनती को भी उन्होंने जजमेंट दिखा दिया है। कल आप तो बड़ी क्या हुआ जो अचानक जो आप लोग अपील की बात कर रहे हैं, फैसले की तारीफ मैं अकेले कर रहा था वहाँ, या मान लीजिए जितने लोग थे और सरकारी वकील सब कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ एक संघ बना हुआ है, गुप्ता संघ कर जाता है। यहाँ आने पर सुबह एक प्रस्ताव आया कि इनको कम से कम मृत्युदंड मिले, क्योंकि आतंकवादी किसी के होते नहीं हैं। जब इनकी गिल्टी होल्ड हो गई तो इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए था। तो क्या निश्चय भी आप प्रश्न कर रहे थे, आप तमाम यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद हैं, और इन्होंने कहा था कि जो है इनको ऐसे जो पहले थे, और इन्होंने बिना सबूत के आधार पर इन्होंने फैसला सुनाया है, और ऐसे कैसे न्यूज साजिश कर रहे हैं आप? अभी तो चूंकि जजमेंट की कापी हम लोगों को मिली नहीं है, और उसके लिए हम कल अप्लाई करेंगे, जजमेंट की कापी मिल जाएगी, तब उस जजमेंट पर कोई कुछ कहा जा सकता है। बिना जजमेंट की कापी को कुछ कहना ठीक नहीं है। अभी लोगों में आक्रोश है कि मृत्युदंड मिलना चाहिए। हाँ, अपील में जाएंगे, अपील करेंगे, और उसके बाद उसमें जो भी होगा अच्छा अच्छा अपील करके अपील करेंगे। जनपद गोंडा नवाबगंज राष्ट्रीय राजमार्ग पर
शनिवार की सुबह करीब 5 बजे करीब 2 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई। इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक की इलाज के दौरान मौत हो गई। 1 दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। सभी को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। अयोध्या मार्ग पर लोलपुर महेशपुर गांव की सीमा पर ट्रक ट्राला कार सहित करीब 1 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचे लकड़ मंडी चौकी इंचार्ज ने अनार लदे ट्रक के ड्राइवर व चालक को ट्रक के बाडी में फंसा देख खुद को केबिन में घुसकर अपने हमराइयों के साथ सभी को बाहर निकाला। लोगों के सूचना करने के बाद भी 108 नंबर नहीं पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद जाम को धीरे धीरे छुड़ाया गया। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद पत्र संगठन की ओर से जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा और कल इसी संदर्भ में एक कार्यक्रम भी अयोध्या स्थित मैत्री मंडप में रखा है, जिसके मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद लल्लू सिंह होंगे और पत्रकारों से होंगे रूबरू। इसी कड़ी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए संयोजक ने कहा कि सरल सुलभ जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के माध्यम से जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बधाई पत्र भेजा है CAA कानून पर भेजा गया और एक सौहार्द की बात रखने के लिए मैत्री मंडप में सभी पहुँचेंगे।